Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, Access Learning के इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ और सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम MS Access पर लोन कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो लोन कैलकुलेटर बनाना बहुत ही ईजी है, आप इस वीडियो को फॉलो करते रहिए और आपको लोन कैलकुलेट करना और PMT फार्मूले के थ्रू लोन कैलकुलेट करना जैसे कि आप एक्सेल पे करते हो वैसे आ जाएगा। तो सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ MS Access को, ठीक है, आपके पास जो भी वर्जन हो उसे ओपन कर लें। इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। एक हमारे चैनल की व्यूअर हैं सुमन, उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था कि हम किस प्रकार से इनका क्या यूज़ है हमारे लिए, तो इनके यूज़ के बारे में हम बाद में अभी बात करेंगे, एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा। अभी बात कर लेते हैं लोन कैलकुलेटर के बारे में। तो ब्लैंक डेटाबेस चूज कीजिए आप, ठीक है, और यहाँ पर कोई नाम दे सकते हैं आप। मैं यहाँ पर टीचर नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं या वो भी नाम जो पहले दिया गया था वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टीचर वन, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा आ रहा है, अब व्यू पे क्लिक कीजिए और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ टेबल वन आ रहा है, कुछ यहाँ नाम देता हूँ मैं और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर आईडी आ रहा है तो यहाँ पे हमें कर देना है लोन आईडी, ठीक है। लोन आईडी करने के बाद यहाँ ऑटो नंबर है, आप जो भी डेटा टाइप रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ नंबर तो मैं नंबर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए लोन आईडी तो हमने दे दिया, अब हमें देना है यहाँ पे लोन आईडी के बाद अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। तो लिख दीजिए अमाउंट ऑफ लोन, LOAN, तो अमाउंट ऑफ लोन दे दिया हमने। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ लोन क्या होगा, ये अमाउंट ऑफ लोन जो है करेंसी डेटा टाइप होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो डेटा हमारा होगा वो होगा इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट रेट जो है नंबर डेटा टाइप होगा और यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर है तो इसको हम बना देंगे डबल। आप ध्यान दीजिएगा, ये लॉन्ग इंटीजर को बना दीजिए आप डबल, ठीक है। और यहाँ पर ड्रॉप डाउन से फॉर्मेट में आकर के आप चूज कीजिए परसेंटेज, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे आइए और अब आप दे दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको बना देना है नंबर, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, इतना करने के बाद व्यू पे क्लिक करना है, डेटा शीट व्यू पे क्लिक करना है, इसको सेव कर देना है, बस। अब ये कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, पुराने तरीके के जैसे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और जाना है क्वेरी डिज़ाइन पे, क्वेरी डिज़ाइन में जा करके और ये शो टेबल जो आ रहा है उसमें ऐड पे क्लिक करना है, तो ये ऐड हो जाएगा टेबल यहाँ पे। अब यहाँ पे लाइन से आप इंसर्ट करा लीजिए लोन आईडी पहले, फिर अमाउंट ऑफ लोन, फिर इंटरेस्ट रेट, फिर नंबर ऑफ ईयर्स। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ मंथली पेमेंट, मैं लिखता हूँ मंथली पेमेंट, ठीक है। मंथली पेमेंट लिखने के बाद यहाँ कोलन लगाऊंगा, कोलन लगाने के बाद करना क्या है हमें, PMT फॉर्मूला लगाना है। PMT लगा दिया हमने, स्मॉल ब्रैकेट बनाइए और फिर बनाइए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए आप इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ये लिख दिया हमने। इंटरेस्ट रेट लिखने के बाद आप कर दीजिए इंटरेस्ट रेट को बंद और अपॉन 12 कर दीजिए, ठीक है, कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद आप लिख दीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स स्क्वायर ब्रैकेट में, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा और नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसी की वजह से हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके पहले हमने डिवाइड किया था, बिल्कुल एक्सेल के PMT फॉर्मूले के जैसे ही कुछ कुछ ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप को करना है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर लिख दीजिए आप अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और स्मॉल ब्रैकेट को भी कर दीजिए क्लोज और यहाँ पर रन पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का ये खुल करके आएगा और यहाँ पे मैं इसे बना लेता हूँ बोल्ड और यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब यहाँ से इसको रिसाइज कर लीजिए आप। अब आपने लोन कैलकुलेटर बनाने के लिए लगभग लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब जैसे मान लीजिए लोन आईडी 12 है, ठीक है,
और लोन का जो अमाउंट है ना वो है 5 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इस पर कितना लग रहा है? इंटरेस्ट रेट लग रहा है 6%। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके 5। ठीक है, तो हमारा जो मंथली पेमेंट आएगा वो कितना आएगा? ये देखिए यहाँ माइनस में आ रहा है। माइनस में आने के पीछे कारण मैं बताता हूँ आपको। आप आ जाइए यहाँ व्यू टैब पे, ठीक है, और यहाँ डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आइएगा आप, ठीक है, तो यहाँ पर इसे बना दीजिएगा आप करेंसी। ये करेंसी आपको दिख रही होगी, इसे करेंसी पे क्लिक कर दीजिए आप और फिर रन करवा दीजिए। तो यहाँ जो माइनस में आ रहा था वो अब माइनस में नहीं दिखेगा। माइनस में क्यों दिखता है? क्योंकि ये लोन है, हमें भरना है, ठीक है, तो हमें देना होता है, इसलिए ये माइनस में दिखता है। अब चलिए दूसरी आईडी पे देखते हैं। एक की आईडी 55 है लोन आईडी, और इन्होंने लोन लिया है 11 लाख का। ठीक है, कितने का लोन लिया? 11 लाख का। ठीक है, तो 11 लाख हो गया। अब यहाँ पर 11 लाख का लोन जो है 4% के दर से मिल रहा है, और ये लोन जो है 2 सालों के लिए लिया गया है, तो हर महीने कितना भरना होगा? ये देखिए यहाँ पर भी ये माइनस में आ रहा है, तो आपको सही करना है तो कहाँ जाएंगे? व्यू पे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, और यहाँ इसको बना देंगे वापस से करेंसी, और करेंसी बना करके इसको कर देंगे यहाँ से रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये माइनस से हट चुका है। अब जैसे मान लीजिए एक की आईडी है 102, ठीक है, लोन आईडी 102 है किसी की, ठीक है, और यहाँ पर लोन लिया इन्होंने 2 लाख का, ठीक है, और इनको जो लोन मिला वो 5% की दर से मिला, ठीक है, और यहाँ पर आपने जब नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर हम 3 साल की बात कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये फिर माइनस में आया, तो माइनस में आएगा, आपको इसको यहाँ से जाके सही करना होगा। ठीक है, इसको करेंसी बना करके और यहाँ से रन करवाना होगा। ठीक है, जैसे ही रन करवाएंगे तो सब आ जाएगा। तो आप पहले एक काम करिए, सब यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर 60,000 का लोन है, 4% की ब्याज की दर से 1 साल के लिए लोन लिया है, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ये देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर आते हैं, अगला जो लोन का है वो लोन नंबर 19 है, और यहाँ पर 50,000 का लोन है, ठीक है, और ये लोन जो है 6% के ब्याज की दर से है, और ये 2 साल के लिए लोन है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए ये फिर माइनस में आ रहा है, तो जब भी माइनस में आएगा तो इसको हम सही कर लेंगे। सही करने का वही तरीका है, अगली लोन आईडी जो है यहाँ पर 5,50,000 का लोन है, ठीक है, और ये लोन जो है 2% की दर पे है, ठीक है, और ये 1 साल के लिए है, यहाँ पे क्लिक किया हमने तो ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, ये अपने आप सही होता जाएगा। देखिए डेटाबेस की यही तो खासियत है, एक बार आप अप्लाई कर दीजिए और फिर ये बार बार आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ये लाइन से आता जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डेटाबेस में हम जब सेव करने की बात करते हैं या एसेट की बात करें, कॉन्टैक्ट नाम का जो आता है खुल करके, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।